अरुणाचल प्रदेश अपने कुदरत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हालांकि कभी कभी ये कुदरत आपदा में भी बदल जाती है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। शुक्रवार यानी कि 13 जुलाई को पासीघाट के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का एक हिस्सा भारी बारिश और भूस्खलन के कारण टूट गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का ये हिस्सा पासीघाट, पांगिन और आलो, जो कि वेस्ट सियांग जिले में है, उन्हें आपस में जोड़ता था। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का 70 से 80 मीटर का ये हिस्सा भारी बारिश और भूस्खलन के कारण टूट गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस टूटे हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के हिस्से को बनाने में कम से कम एक हफ्ते का समय लग सकता है। ऐसे में प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके अरुणाचल प्रदेश के लोगों को पासीघाट और पांगिन के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है, ताकि जनता को आवाजाही में कोई भी असुविधा ना हो। और प्रशासन का कहना है कि 7 दिनों के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का ये टूटा हुआ हिस्सा उसका पुनर्निर्माण कर लिया जाएगा और दोबारा से जो आवाजाही इस समय बाधित है उसे दोबारा से शुरू भी कर दिया जाएगा। News Desk Report, East News. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.